हेलीकॉप्टर मनी शब्द को सर्वप्रथम मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था, जो एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे और 1976 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हेलीकॉप्टर मनी का मतलब होता है रुपए को प्रिंट करना और सीधे जनता को बांट देना, ताकि वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। यह प्रतीकात्मक रूप से हेलीकॉप्टर से पैसा बरसाने जैसा ही है, क्योंकि जनता को इस अप्रत्याशित धन की उम्मीद नहीं होती। हेलीकॉप्टर मनी का उपयोग किसी संघर्षरत अर्थव्यवस्था को एक गहरी मंदी से बाहर निकालने के इरादे से भी किया जाता है। अर्थात इसका मतलब होता है रिजर्व बैंक रुपए को प्रिंट करना और सीधे सरकार को दे देना, ताकि वह जनता में बांट सके, जिससे लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। यह प्रतीकात्मक रूप से हेलीकॉप्टर से पैसा बरसाने जैसा ही है, क्योंकि जनता को इस अप्रत्याशित धन की उम्मीद नहीं होती और उनके खाते में सीधे आ जाते हैं, जैसे आसमान से गुरा हो। हेलीकॉप्टर मनी का उपयोग किसी संघर्षरत अर्थव्यवस्था को एक गहरी मंदी से बाहर निकालने के इरादे से भी किया जाता है, या फिर मंदी को टालने के लिए भी किया जा सकता है। इसी दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा, जिससे लोगों के खातों में पैसे भी भेजे जा रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के सी राव या के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि हेलीकॉप्टर मनी राज्यों को कठिन आर्थिक मोर्चे से बाहर आने में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा है कि रिजर्व बैंक क्वांटिटेटिव ईजिंग के रास्ते देश की जीडीपी का कम से कम 5% हिस्सा खर्च करे, ताकि लोगों के हाथ में क्रय शक्ति बनी रहे। भारत की जीडीपी करीब 3,00,000 करोड़ डॉलर है, अर्थात इसका 5% होता है 15,000 करोड़ डॉलर, अर्थात 11,00,000 करोड़ रुपये, जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके जनता के हाथों में ये पैसे बांटेंगी, जिसके कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब 10 अप्रैल को 4,81,000 मजदूरों के बैंक खातों में प्रत्येक को 1,000 रुपये हस्तांतरित किए, जिनमें स्ट्रीट वेंडर और रिक्शा वाले शामिल हैं। ऐसे ही दिल्ली सरकार ने 5,000 रुपये की वित्तीय मदद प्रदेश के प्रत्येक ऑटो टैक्सी और ई रिक्शा चालकों को भी दिए हैं। तो ऐसे ही हेलीकॉप्टर मनी में जनता के थ्रू या जनता के खाते में ये मनी ट्रांसफ़र की जाएगी किसी ना किसी उद्देश्य से। तो दोस्तों, आपका ये लेक्चर कैसा लगा? अगर वीडियो वाकई पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।